जी तो दोस्तों, हनान मोटर्स पर फिर से मैं मौजूद हूँ एक नई वीडियो के साथ। हनान मोटर्स पर माशाल्लाह ये गाड़ी मुझे बहुत ही पसंद आई है जी। होंडा सिटी है, 2008 मॉडल है जी। हाँ दोस्तों, 8 मॉडल है और इसकी जो कंडीशन है माशाल्लाह मुझे बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रही है। तो मेरा दिल किया कि मैं इस गाड़ी का रिव्यू करूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इस गाड़ी का रिव्यू करूँगा, इसकी तमाम डिटेल्स आपको बताऊँगा, इसकी क्या डिमांड की जा रही है, इसकी क्या कंडीशन है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गुजारिश है उनसे कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का निशान है उसको आल पे क्लिक कर लें, ताकि जो आने वाली मेरी मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल सकें। तो चलें जी, आज की गाड़ी दिखाते हैं जी। होंडा सिटी और 2008 मॉडल है। फ्रंट आप इसका चेक करें, सबसे पहले तो डेंटलेस बोनट है इसका, कोई भी स्क्रैच नहीं है, ब्लैक कलर है, बिल्कुल फ्रेश कलर है इसका। और जो बम्पर है इसका, ये भी माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हालत में मौजूद है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप इसका देख सकते हैं जी, नोट कर सकते हैं। और जो गाड़ी की साइडें हैं, ये भी मगर आपको दिखाऊं तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसकी साइडें हैं। बाकी टायर देखें तो टायर्स में अलॉय रिम लगे हुए हैं और जो टायर्स की कंडीशन है माशाल्लाह ज़बरदस्त हालत में इसके टायर्स हैं। बाकी साइड आप देख सकते हैं जी, साइड पर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्रेश आउटलुक है इसकी। और जो पीछे वाला टायर है, ये भी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ओके है, इसमें कोई भी मसले वाली बात इसमें ज़रा सी भी नहीं है। बैक से गाड़ी का व्यू मैं अगर करवाऊं तो आप लोग देख सकते हैं जी, बैक से जो गाड़ी का व्यू है बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है दोस्तों। और बैक पे जो है रियर कैमरा लगा हुआ है, और इसके अलावा जो है बैक बम्पर भी इसका नीट एंड क्लीन है, कोई भी स्क्रैच वगैरह जो होता है वो ज़रा सा भी नहीं है। अभी दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं, ताकि 360 व्यू से आपको तमाम जो गाड़ी की साइडें हैं वो नज़र आ जाती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारी डिटेल्स आपको दिखाऊँ। जो दूसरा टायर है, ये भी आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ से दोनों टायर मैंने दिखा दिए हैं। तो इस तरफ से भी जो है ये वाला टायर भी आप देख सकते हैं। बाकी इसके साथ जो छत है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, छत जो है इसकी माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ है। अभी जो है दूसरा फ्रंट टायर भी इसका आप देख सकते हैं, ये भी टायर इसका बिल्कुल माशाल्लाह साफ़ सुथरी हालत में मौजूद है। तो दोस्तों, अभी जो है अंदर से गाड़ी दिखाता हूँ आपको। अंदर से आप देख सकते हैं जी, डोर की सीलें बिल्कुल ओके हैं, गत्ते वगैरह जो हैं इसके बिल्कुल ठीक हैं, और जो डैशबोर्ड है ये भी बिल्कुल ओके है। एसी, हीटर, हर चीज़ प्रॉपर वर्किंग में है। मैनुअल गेयर्स हैं जी, एलसीडी लगी हुई है, और इसके अलावा जो मैटिंग वगैरह है नीचे, ये भी मैट्स वगैरह इसके बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अगर पोशिश में दिखाऊं तो जो पोशिश की कंडीशन है, ये भी आप देख सकते हैं, जो सीट्स हैं इसकी बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई भी सीट बैठी हुई नहीं है, फटी हुई नहीं है। बाकी जो है इसका छत, वो भी आप लोग देख सकते हैं जी, छत इसका जो है माशाल्लाह ये भी साफ़ सुथरा है। अभी जो है मैं इसका जो बोनट है ये भी ओपन कर देता हूँ, और जो इसका इसके जो ट्रंक है ये भी मैंने ओपन कर दिया है। तो उससे पहले जो है मैं इसका बैक रूम ये भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि बैक रूम जो है उसकी क्या कंडीशन है। सॉरी, बैक रूम जो है वो थोड़ा सा लॉक्ड है, तो मुझे अनलॉक करना पड़ेगा उससे पहले, बल्कि मैं यहीं से दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा अंदर होके। जी दोस्तों, बैक सीट्स जो हैं आप देख सकते हैं, बैक डोर जो है ये भी बिल्कुल ठीक है, नीचे मैटिंग वगैरह भी आप लोगों के सामने है, ठीक है। ये दूसरा डोर है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा है और दूसरे में मेरी हैंड फ्री है। तो आई होप कि आप लोगों को जो बैक डोर है वो सही से नज़र आ गया होगा, जो रूम है इसका वो भी नज़र आ गया होगा। तो अभी जो इसका ट्रंक है ये ओपन करते हैं जी। ट्रंक आप देख सकते हैं जी, इसकी डिक्की की कंडीशन आप लोगों के सामने है। नीचे आप लोग देख सकते हैं जी, स्पेस जो है इसकी ठीक है, और ये शायद मेरे ख्याल से ऊपर नहीं होगा, ये फिक्स्ड है, और स्टपनी वगैरह भी मेरे ख्याल से इसके नीचे ही होगी। तो बाकी जो है अभी इसका इंजन भी दिखाते हैं आप लोगों को, 8 मॉडल का इंजन जो है, तो उसके इंजन की क्या कंडीशन है, फिर इसकी जो प्राइस है वो भी आप लोगों को बताते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो क्या डिमांड की जा रही है। जी तो दोस्तों, इंजन आप इसका देख सकते हैं। उससे पहले मैं ये बताऊँ कि ये जो गाड़ी का जो है छत पिलर जो है ये जेन्युइन है, बाकी ये गाड़ी शावर्ड है और पटीन के बिना जो है इस गाड़ी को जो है रेडी किया गया हुआ है, बिल्कुल फ्रेश लुक देने के लिए जस्ट। बाकी जो है आप इसका बोनट भी देख सकते हैं, ये नॉन एक्सीडेंट गाड़ी है, बोनट इसका बिल्कुल ओके है, बोनट की सीलें बिल्कुल परफेक्ट हैं। इंजन इसका देख सकते हैं, इंजन इसका मैकेनिकली बिल्कुल फिट है, जस्ट आपने गाड़ी को ख़रीदना और ड्राइव करना है। 1300 cc इसके इंजन की पावर है, 2008 मॉडल है। और इसके अलावा कुप्पे वगैरह भी आप इसके देख सकते हैं जी, कुप्पे वगैरह की जो कंडीशन है ये भी बिल्कुल ठीक ठाक है। चेसी नंबर जो है इसका, चेसी बिस्किट, ये भी आप लोग देख सकते हैं।
अपनी असल हालत में मौजूद है, फ्रंट पट्टी इसकी बिल्कुल ओके है, गाड़ी ऑल ओवर मैंने आप लोगों को दिखा दिया और उम्मीद है कि गाड़ी आप लोगों को लाजमी पसंद आएगी। तो अभी जो है इसकी प्राइस उसके बारे में अगर बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो हनान मोटर्स पर डिमांड की जा रही है जी 13.5 लाख रुपया, 13.5 लाख रुपया डिमांड है, प्राइस फिक्स नहीं है, ये निगोशिएबल है, इसमें जो है इंशाल्लाह आपको कमी पेशी हो जाएगी। तो इनका जो नंबर है स्क्रीन पर चल रहा है, इनसे कॉन्टेक्ट करके तो आप लोग जो है प्राइस ओपन नीचे करवा सकते हैं, गाड़ी विज़िट कर सकते हैं आप लोग। इनका जो एड्रेस है, जब आप पिंडी सॉरी गुजरांवाला शेरांवाला बाग से सिटी की तरफ जाते हैं दोस्तों, तो कश्मीर पार्क के बिल्कुल साथ जो है हनान मोटर्स का जो बोर्ड है ये आप लोगों को नज़र आ जाएगा। यहाँ पे गाड़ी अवेलेबल है, यहाँ पे आप आ गए तो गाड़ी विज़िट कर सकते हैं। और अगर तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन का निशान है उसको ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जो मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा अपने दूसरों का ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।